यह सेंट फ्रांसिस चर्च का रास्ता ऊपर जाने का। अभी वो सुभाष चौक जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ से पीछे की पहाड़ी कुछ ऐसी शानदार सी दिख रही है। इधर होटल्स वगैरह है यहाँ पर रूम देने के लिए। इधर गांधी चौक की तरफ जाता है एक रास्ता, उधर से भी जाता है, लेकिन वो बता रहे हैं कि इधर से शॉर्ट पड़ेगा। और ये मेरे पीछे ये वैली दिख रही है पूरी, एक नदी की। होटल ले लिया है भाई हमने, और ये रहा कुछ टेबल दिया हुआ, लेकिन कौन बैठ के खाएगा इधर। उधर कुछ एक आध रूम है, हमारा रूम ये वाला है। यहाँ पर ये डबल बेड दिया हुआ है, कंबल वगैरह, दो कुर्सियाँ हैं, एक टेबल, एक ये बेड टेबल छोटा सा, एक कबर्ड है। कबर्ड के अंदर और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स वगैरह वो है, रजाई वगैरह। बाकी यहाँ टीवी दिया हुआ है, इसका तो कोई काम ही नहीं अपना। यहाँ पर एक मिरर है, लैंप, और यहाँ सामने से कुछ इस तरीके का व्यू है। ये रहा वॉशरूम, ठीक ठाक सा है, बेसिक सा वॉशरूम, साइज बढ़िया है इसका, अच्छा खासा है। ये नहीं है कि कॉम्पैक्ट वॉशरूम नहीं है, ये चीज़ एक अच्छी है यहाँ पर। हम लोगों ने होटल उधर पीछे लिया है, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे सुभाष चौक की तरफ, थोड़ा वहाँ चाय वाय पियेंगे, और फिर आसपास के इलाकों को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पर सुभाष चौक तक, बता रहे हैं कि यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर सुभाष चौक है। ठंड का हाल ये है कि टेम्परेचर अभी 7 डिग्री सेल्सियस चल रहा है यहाँ पर। डलहौजी का रात में कहाँ तक जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। और ये हमारे कुछ डलहौजी के नज़ारे हैं, दिख रहा सामने ये सेंट फ्रांसिस चौक, सेंट फ्रांसिस चर्च चौक नहीं, और ये सुभाष चौक। अच्छा तो भाई गांधी चौक पे भीड़ भड़ी रहती है टूरिस्ट वगैरह की जब स्नोफॉल वगैरह होती है, लेकिन अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि यहाँ पर है ही नहीं टूरिस्ट, बहुत कम है। भाई साहब ने भी बताया कि अभी टूरिस्ट वगैरह आए नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ है आई लव डलहौजी, हेवनली हिमाचल। अच्छा ये सेल्फी पॉइंट बना रखा है यहाँ पे सुभाष चौक पे, इस पे हमने भी कुछ कुछ फोटोज लिए हैं। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू है, इसी वजह से ये फेमस भी है सुभाष चौक करके। सीजन में आओगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी यहाँ पर फिलहाल तो हम ही लोग हैं। अब हम जा रहे हैं वहाँ सामने चर्च पे, चर्च का नाम है सेंट फ्रांसिस चर्च। आओ चलो। ये सेंट फ्रांसिस चर्च का रास्ता ऊपर जाने का, और अभी वो सुभाष चौक जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ से पीछे की पहाड़ी कुछ ऐसी शानदार सी दिख रही है। इधर होटल्स वगैरह है यहाँ पे रूम देने के लिए, लेकिन तब भी देखा जाए तो उतने होटल्स नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे उतने कुछ खास होटल्स नहीं है, उधर ऊपर मिलेगा। तो देखा जाए तो हम लोगों ने सही किया, ले लिया उधर है, अच्छे डील पड़ गया हमें। बस एक ही मसला है रूम में कि सर्दी ज़्यादा है, वरना रूम कंफर्टेबल है, बेड भी ठीक है, और वॉशरूम वगैरह वो सब तो मैंने दिखाया ही। लोकेशन बढ़िया है, ज़्यादा दूर नहीं है सुभाष चौक यहाँ से। ए, कौन है लेडी मैरी? वर्जिन मैरी। हाँ वर्जिन मैरी। नाम जीसस? जीसस नहीं है यार, तो और कौन हो सकता है। सेंट फ्रांसिस 1875 में बना हुआ है, बहुत पुराना है। यानी कि उसी के टाइम का है या डलहौजी के बाद बना हुआ था? हाँ। डलहौजी तो भाग गया था भाई वहाँ पे, मतलब 56 के बाद भाग गया था वो खत्म। हाँ वो पीरियड उसका खत्म हो गया था। जीसस डाइज ऑन द क्रॉस। तो जितना क्रिश्चियन इनकी रेस्पेक्ट नहीं करते ना, उतना मुस्लिम करते हैं जीसस की, क्योंकि ही इज वन ऑफ द प्रॉफिट। यहाँ पे क्लॉक टावर है सामने घंटा भी दिख रहा है, और स्पीकर भी। हाँ बसता नहीं होगा। ये रहा सनडायल। कहाँ है? हाँ ये सनडायल हमने एक वहाँ देखा था गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में, जो तू बता भी रहा था कि ये हमने, मतलब ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल होता
वर्टिकल रे। तो ये रहा जो हॉरिजॉन्टल क्लॉक टावर है, इसका ये एग्जांपल है। और वहाँ गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में जो हमने देखा था वो वहाँ पर वो वर्टिकल क्लॉक टावर था। ये देख री इंस्टॉल्ड हुआ है बाय जस्टिन, इधर देख। अच्छा, री इंस्टॉल्ड बाय जस्टिन, ये क्या है ये? एल एम्बेसरी। खूबसूरत बनाया हुआ है ये माहौल वगैरह, है ना, पेड़ वेड़ से। इट्स अ कैथलिक चर्च। कैथलिक चर्च, क्या डिफरेंस होता है कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स में? लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो सेंट फ्रांसिस चर्च है और इसके जो प्रीमिसेस हैं वो डलहौजी में एज अ हेरिटेज सेंटर माना जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसका मतलब इसको मेंटेन करने का जो खर्चा वर्चा जो आता है वो ये जो विजिटर्स और डिवोटीज जो होते हैं उन्हीं के डोनेशन से इसको मतलब मेंटेन किया जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि प्लीज़ हेल्प अस। और यहाँ पर जीसस टॉट द डिसिपल हाउ टू प्रे। अंदर जाने के लिए जूते निकालने पड़ेंगे, तो ये महाशय तो यहीं बैठ रहे हैं, मैं फ़िलहाल चल रहा हूँ अंदर। और अंदर चल के देख के आते हैं क्या क्या है। ओहो, चर्च। जिंदगी में पहली बार चर्च देख रहा हूँ, शानदार है सेंट फ्रांसिस चर्च। इससे पहले हॉलीवुड मूवीज में देखा था, अभी फर्स्ट टाइम मैं रियल में देख रहा हूँ चर्च। कुछ फोटोज वगैरह लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। ये कन्फेशनल पाप स्वीकार करने का स्थान है, यहाँ पर फादर को जो सुनाया जाता है जितना कि मेरे को पता है। इसमें होता क्या है कि एक चैम्बर में आप चले जाते हो, एक चैम्बर में फादर जो होते हैं, और आपने मतलब जिस भी पाप के ऊपर आपको कन्फेशन करना होता है तो उसके बारे में उनको बताते हो, है ना, ये होता है ना। बट तेरे फादर क्या कन्फेशन करेंगे? मेरे फादर नहीं, चर्च के फादर। तो अभी जो चर्च हम लोग देख के आ रहे हैं ये कैथोलिक चर्च था, साफ साफ लिखा होता बोर्ड पे। और क्रिश्चियंस में भी अलग अलग सेक्ट्स होते हैं, तो उसमें उनके हिसाब से तो ये फिलहाल कैथोलिक चर्च था। यहाँ पे कुछ खरगोश वगैरह पाले हुए हैं। कुछ ये रहे और कछुआ वो सामने जा रहा है, रेस करवा दूं? क्या कहते हो आप लोग, इन दोनों की रेस करवा दूं मैं? कौन जीतेगा बताओ? सुभाष चौक और सेंट फ्रांसिस चर्च तो देख लिया हमने, अब इधर इधर से शॉर्टकट पड़ता है ये गांधी चौक की तरफ जाने का। एक अंकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि इधर गांधी चौक की तरफ जाता है, एक रास्ता उधर से भी जाता है, लेकिन वो बता रहे हैं कि इधर से शॉर्ट पड़ेगा। और ये मेरे पीछे ये वैली दिख रही है पूरी, ये डलहौजी की। वहाँ देखो कुछ ग्राउंड सा दिख रहा है। यहाँ पे तो लग रहा है कि बस हम ही लोग टूरिस्ट हैं, बाकी आसपास देखो कोई नहीं है, बस एक वो अंकल जा रहे हैं, वो भी अभी दिखे। एकदम खाली खाली सा चल रहा है। और अभी दिन के टाइम हो रहा है करीब 2:30 बज रहे हैं ना, क्या टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है मतलब, हाँ 1:48 1:50 दो बजने वाले हैं। और इस वक्त टेम्परेचर है 9 डिग्री, उस टाइम पे रूम में देखा था हमने करीब 12 बजे तो 7 डिग्री था, तो 2 डिग्री का फर्क आया। धूप निकली हुई है, धूप खिली हुई है, एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे, जिसके वजह से थोड़ी गर्माहट है। बाकी हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं गांधी चौक की तरफ। यहाँ चट्टानों पे, किसी किसी चट्टानों पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जैसे कि एक ये है। ये देख रहा है कुछ पहाड़ों पे,
धुआं धुआं सा ये पहाड़ों की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा, देख क्या है ये। यहाँ से और अच्छा आ रहा है व्यू। ये देखो ये है पूरा डलहौजी शहर, ये हाँ कह सकते हैं जो घर बने हुए हैं सारे मोस्टली सब के सब वही हैं, मतलब होटल्स रेंट पे देने के लिए। और वहाँ सामने वो क्या है, हेलीकॉप्टर पैड है या ग्राउंड है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ एक आध लोग दिख रहे हैं हमें जाते हुए, और हम लोग अभी इसी रास्ते पे हैं गांधी चौक की तरफ जाते हुए, और ऊपर कुछ मिला है यहाँ जाने के लिए। क्या है ये,